गुड मॉर्निंग दोस्तों, मीना किचन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये देखिए मेरे गार्डन का हाल। देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में 5:30 बजे से मैं अपने गार्डन में आई हुई हूँ दोस्तों, और बहुत सारे काम मैंने किए हैं। सारे प्लांट्स में मैंने गाय के गोबर की खाद ख़त्म हो रखी थी मेरे पास, सारे प्लांट्स में गुड़ाई करके मैंने डाली है दोस्तों। देखिए जितने भी मेरे पास थे सारे में गाय के गोबर की खाद डाल दी मैंने। सड़ी हुई पुरानी खाद थी, एकदम काली खाद है। देखिए दोस्तों सारे प्लांट्स में डाल दिए दोस्तों मैंने, और मैं 5:30 बजे से अपने गार्डन में आई हुई हूँ। ये जो मैंने बेल लगाई थी, मुझे ये नहीं पता ये कद्दू की है कि खीरे की है, लग तो मुझे खीरे की रही है, लेकिन कद्दू जैसा पत्ता आ रहा है इसमें। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो भी नर्सरी से प्लांट लेके आई थी दोस्तों, सबको मैंने अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दिया है। देखिए ये अपराजिता, अभी मेरे पास यही छोटा गमला था, इसी में मैंने इसको कर दिया है। बाद में कोई बड़ा गमला लाऊंगी तो उसमें शिफ्ट कर दूंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ता है दोस्तों, ये ना समझें कि मेरी रुक रुक के आवाज़ आ रही है। देखिए दोस्तों, जो हमने फंगीसाइड का पाउडर का इस्तेमाल किया था अपने प्लांट्स में दोस्तों, ये देखिए उसका रिज़ल्ट, एक भी फूल हमारा रुकता नहीं था प्लांट पे। ये देखिए अभी 2-3 दिन से तो मैं देख रही हूँ, इनमें परसों ही नज़र आए थे मुझे ये। ये देखिए सारे ही प्लांट्स जितने भी थे हमारे पास, सब में फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए अगर नज़र आ रहा होगा तो, जितने भी प्लांट थे सभी में हो रहा है। एक ही प्लांट मुझे परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी पूरी ज़िद्दी हूँ, मैं फाड़ूंगी नहीं उसको, देखती हूँ कब तक नहीं फ्लोटिंग होती उसमें। देखिए दोस्तों सब में फ्लावरिंग हो रही है। देखिए शायद इसमें बैंगन भी बनने लगेगा। फंगीसाइड पाउडर जो था फोलिडोल, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे उसका। ये देखिए दोस्तों मिर्ची इसमें आ नहीं रही थी, फूल झड़ जा रहे थे, और अब इसमें मिर्ची भी आने लगी है और फूल भी रुक रहा है। मैंने क्या क्या काम किया है दोस्तों दिखाती हूँ। ये मैं नर्सरी से लेके आई थी, इसको मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है, विंका को, इसको भी इसमें शिफ्ट कर दिया है गमले में। और दिखाती हूँ ये हरशिंगार, इसको मैंने इस कट्टे में लगा दिया है दोस्तों। ये हिबिस्कस, इसको भी मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। और ये देखिए बेबी सनरोज, इसको भी गमले में कर दिया मैंने। कोचिया, जितने भी प्लांट मैं नर्सरी से लेके आई थी दोस्तों, सबको मैंने शिफ्ट कर दिया है। और सवेरे 5:30 बजे से लेके अभी 9 बजने वाले हैं, मैं अपने गार्डन में काम ही कर रही हूँ दोस्तों। और जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने फिर से कर दिया है। ये देखिए ये जुगाड़, धूप इतनी तेज़ है, पेड़ों को एकदम जला रही है बुरी तरह से। और मुझे 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, तो बच्चे तो इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे दोस्तों, इसीलिए मैंने मेरे को ही दोबारा करना पड़ गया। शाम के टाइम एक बार अच्छे से पानी बच्चे अगर दे देंगे तो मॉर्निंग में इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर 11 बजे के आसपास ज़रूरत पड़ेगी प्लांट से पानी देने की। बातें तो बहुत सारी करनी थी दोस्तों आपसे, लेकिन किसी अगली वीडियो में करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये व्यू, ये देखिए फंगीसाइड पाउडर मेरे लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहा है दोस्तों। ये देखिए एक भी चींटी वगैरह कुछ भी नहीं है प्लांट पे, मिली बग भी नहीं है। 4-5 दिन हो गए हैं मुझे उस पाउडर को डाले हुए। देखिए और मिर्ची के प्लांट से ही मैं ज़्यादा परेशान थी, और इसने काफ़ी अच्छी न्यू ग्रोथ ले ली है। देखिए नई नई लीफ भी आ रही है इसमें, पहले नहीं आ रही थी। मिली बग जो है इसमें बिल्कुल यहाँ पर टॉप पर चिप अंदर घुसे हुए थे छोटे छोटे से, और वो प्लांट को बढ़ने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। अब इसमें फ्रूटिंग भी हो जाएगी, फ्लावरिंग भी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसके मैंने पूरे पत्ते निकाल दिए थे,
पिछली किसी वीडियो में देखा भी होगा आपने। और अब इसमें न्यू लीफ आ गई हैं, वही देखिए फ्लावरिंग भी इसमें हो रही है। पूरा ही एकदम से झांक दिया था मैंने इसको, देखिए दोस्तों इसकी भी अच्छी बढ़त हो गई है। मिर्ची का पेड़ है ये भी, देखिए बहुत अच्छे से पाउडर मैंने इन सब में डाला था तो इन सब से मिलीबग एकदम से हट गया है। अभी तो नई नई ग्रोथ भी आ रही है मिर्ची के पेड़ में दोस्तों। ये देखिए कितना भी काम अपने गार्डन में हम कर लें वो सारा कमी लगता है हमें, पता ही नहीं चल रहा है। जो भी मैं नर्सरी से लेके आई थी भूल भी जाती हूँ कहाँ के कहाँ क्या है। देखिए दोस्तों इसमें मैंने पालक लगाई थी, शायद निकल जाए पालक, गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन पता नहीं होगी कि नहीं होगी। देखिए दोस्तों मेरे गार्डन का ये ओवरव्यू कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अरबी के प्लांट को होने में काफ़ी टाइम लगता है, ये देखिए न्यू लीफ आने वाली है इसमें, काफ़ी दिन हो गए मुझे लगाए हुए इसमें। और इसमें भी एक लगा दी थी मैंने अरबी और इसमें भी नई लीफ आ रही है। बस यही हाल है दोस्तों मेरे गार्डन का। देखिए जो भी प्लांट छाया में रखने लायक होंगे, जिनको ज़्यादा छाया चाहिए उनको मैं इकट्ठा कर दूंगी सबको, अभी तो ऐसे ही रखे हुए हैं कुछ कुछ। ये भिंडी देखिए दोस्तों, भिंडी इसमें आने लगी हैं, देखिए ये कोई फली वाली है प्लांट, देखते हैं कैसी फली इसमें आती है। शायद लोबिया है क्या है पता नहीं मुझे। एक ही मिर्ची का पेड़ मेरे पास पड़ा हुआ था दोस्तों, इसको मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। ये बैंगन, ये देखिए दोस्तों ये ओवरव्यू कैसा लगा आपको दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। बातें मुझे बहुत सारी करनी है, किसी अगली वीडियो में और करूँगी। ये देखिए अभी मॉर्निंग की चाय तक मैंने नहीं पी है दोस्तों, आप भी लीजिए। देखिए चाय भी ऐसे ही रखी हुई है, 9:15 का टाइम है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और हस्बैंड भी नीचे चिल्ला रहे हैं कब खाना बनेगा, कब ड्यूटी जाऊँगा मैं। तो मैं जल्दी से भाग रही हूँ नीचे। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कैसा लगा मेरा ये काम, मॉर्निंग से ही लगी हुई हूँ मैं। काम तो हम कितना भी कर लें वो कम ही लगता है। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बाय।